ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, प्राकृतिक कारक। भूमि की बनावट, जलवायु, ढाल की दिशा, मृदा की उर्वरता, अपवाह तंत्र, भूजल स्तर आदि कारकों का प्रभाव आवास के बीज की दूरियों व प्रकार इत्यादि पर पड़ता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता निर्णायक कारक है, इसलिए वहाँ मकान किसी तालाब या कुएं के आसपास संकेंद्रित हैं। दूसरा, जाति व सांस्कृतिक कारक। जातीयता समुदाय अधिवासों के प्रकार को प्रभावित करते हैं। भारत में सामान्य रूप से पाया जाता है कि प्रमुख भूस्वामी जातियां गांव के केंद्र में बसती हैं और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली जातियां ग्राम की परिधि में बसती हैं। इसका परिणाम सामाजिक पृथकता तथा अधिवासों का छोटी छोटी इकाइयों में टूटना है। सन 1988 में राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की गई, जिसका दीर्घकालीन उद्देश्य आवासों की कमी की समस्या को दूर करना एवं अपर्याप्त आवास व्यवस्था को सुधारना तथा सबके लिए बुनियादी सेवाओं एवं सुविधाओं का एक न्यूनतम स्तर मुहैया कराना था। इसी क्रम में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना लागू की गई। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त सेना और अर्धसैनिक बल के मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को शामिल किया गया। 3% मकान शारीरिक और मानसिक विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। यह कार्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला परिषद इंदिरा आवास योजना के तहत किया जाता है। ग्रामीण विकास योजना के तहत इंदिरा आवास के अतिरिक्त अटल आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि भी क्रियान्वित है। नगरीय अधिवास। किसी भी नगर का विकास एक छोटे से अधिवास के रूप में होता है। धीरे धीरे वह बढ़ता हुआ कस्बा, बाजार, नगर, महानगर एवं विशालकाय नगर का रूप धारण कर लेता है। किसी नगर का विकास निम्नांकित अवस्थाओं में होता है। पहला, पूर्व बचपन। इस अवस्था में कुछ दुकान व मकान एक ही स्थान पर होते हैं, एक दो सड़कें होती हैं, सामान्य रूप से परिवेश ग्रामीण लगता है। दूसरा, शैशवावस्था। इस दशा में केंद्रीय भाग की तरफ व्यापारिक क्षेत्र बन जाता है, रहने योग्य मकान व दुकानें बन जाती हैं। तीसरा, किशोरावस्था। इसमें नगर की सड़कें गलियां अधिक विकसित होने लगती हैं, आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्र व्यवस्थित होने लगता है, जनसंख्या का प्रसार बाहर की ओर होने लगता है। चौथा, प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में नगर के आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र अलग दिखाई पड़ने लगते हैं, आवासीय क्षेत्र अनेक भागों में बढ़ जाते हैं, आबादी बढ़ने से बहुमंजिला मकान बनने लग जाते हैं। पांचवा, अधेड़ावस्था। यह नगर के विकास व वैभव की चरमावस्था होती है, व्यापारिक, औद्योगिक, आवासीय व प्रशासनिक क्षेत्र अलग हो जाते हैं। छठवा, वृद्धावस्था। यह नगर विकास की अंतिम दशा है, जिसमें उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। समरकंद, कुस्तुंतुनिया, मुल्तान, बुखारा आदि इसी प्रकार के नगर हैं। जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवासों के प्रकार। पहला, पुरवा या नगला, लगभग 50 से 100 तक की जनसंख्या। दूसरा, नगरीय गांव, 100 से 5,000। तीसरा, कस्बा, 5,000 से 10,000। चौथा, नगर, 1,00,000 से अधिक जनसंख्या। पांचवा, महानगर, 10,00,000 से 50,00,000 तक जनसंख्या। छठवा, वृहद नगर, 50,00,000 से अधिक। मानव सभ्यता के साथ नगर का विकास क्रम भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में नगरों का विकास व्यापार केंद्रों के रूप में हुआ। सभी नगर गांव के सदृश विकसित होते हैं, तत्पश्चात वृहद आकार लेते हैं।
गांव और नगर के बीच की इकाई को कस्बा कहा जाता है, जहां नगरों के समान सुविधाएं मिलती हैं। यही कस्बा नगरों में परिवर्तित होता है। वह अधिवास जिसमें अप्राकृतिक उत्पाद संबंधी क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है, वहां विनिर्माण, परिवहन, व्यापार तथा वाणिज्य, शिक्षा, बैंक, मनोरंजन एवं शासन प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है, नगरीय अधिवास कहलाता है।